अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाजीन, अपोजिशन के बाद हकूमती इत्तेहादी हकूमत से नाला और अब हकूमत के अपने वुजरा उनसे नाला नजर आते हैं। आज पंजाब हकूमत की कारकर्दगी पर वफाकी वजीर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी जो है उन्होंने खुलकर एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए, वो फट पड़े पंजाब हुकूमत पर। फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब डिलीवर नहीं कर पा रहा, जिसके बायस तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर पर प्रेशर का सामना है। पंजाब के डिलीवर ना करने से अवामी सियासी मुहाज पर पीटीआई की परफॉर्मेंस पर तनकीद की जा रही है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि पंजाब का 350 बिलियन का जो तरक्याती बजट है उसमें से सिर्फ 77 बिलियन रुपीज जो है वो तरक्याती कामों पर रिलीज किए गए हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार सूबाई इजलास को फाइनेंस अवार्ड्स भी नहीं दे रहे, जिस पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत का जवाब आता है कि फवाद चौधरी के आदादोशुमार दुरुस्त नहीं है। पंजाब हुकूमत 179 बिलियन रुपीज के तरक्याती फंड्स अब तक रिलीज कर चुकी है। वजीर आजम इमरान खान ने भी फवाद चौधरी की निशानदेही पर नोटिस लिया और पंजाब हुकूमत को फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो प्रोविंशियल एनएफसी अवार्ड है उनके तहत डिस्ट्रिक्ट को फंड मुंतकिल करने की इंस्ट्रक्शंस दी। अब तहरीके इंसाफ के अपने ही एक वफाकी वजीर की जानिब से इतना बोल्ड रिस्पांस आ जाना क्रिटिसिज्म का पंजाब हुकूमत पर, और ये जो बयान है इसके सामने आने से हुकूमत पर कितना असर पड़ेगा, और फिर उसके साथ साथ जो हुकूमत इत्तेहादी जमातें हैं उनमें जो इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ है वो भी पंजाब में नाकिस पंजाब हुकूमत की जो गवर्नेंस है उससे खुद को दूर करती नजर आ रही है। क्या ये जो फासला इत्तेहादियों में आता हुआ नजर आ रहा है क्या इसकी वजह भी यही होगी या हो सकती है? हम इस तमाम सिचुएशन को भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। और फिर हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का मामला था और जो मेंबर्स के अपॉइंटमेंट का मामला है उसमें एक बार फिर डेडलॉक जो है वो नजर आया है। आज भी पार्लिमानी कमेटी का सेशन जो है वो बगैर किसी नतीजे के खत्म हो जाता है। हुकूमत की जानिब से नाम ऑपोजिशन को दिए जाने थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम तजवीज कर दिए। अब पार्लियामेंट्री कमेटी का सेशन मंडे को दोबारा शुरू होगा। साथ साथ अगर बात कर ली जाए अवामी इश्यूज पर तो मुल्क में इस वक्त आटे का बहरान जो है, आटे का जो क्राइसिस है वो एक बार फिर सर उठाता नजर आ रहा है। आटे की जो प्राइस है उसमें 5 से 10 रुपए फी किलो का इजाफा हो चुका है। जो एक नान 10 रुपए का था वो अब 15 रुपए का होने जा रहा है और फिर जो मालिकान है उन्होंने आटे की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया है, जिसके बाद जो कीमत 64 रुपए थी उससे बढ़कर अब 70 रुपए फी किलो जो है आटे की कीमत हो गई है। एक साल में ये नाजरीन चौथी बार आटे की कीमतों में इजाफा है जो कि इस वक्त हमारे सामने है, जिसका कि अवाम को सामना है और अवाम काफी तकलीफ में नजर आ रही है। हम इससे पहले कि इन तमाम इश्यूज को अंडर डिस्कशन लेकर आए हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, सीनियर एनालिस्ट है, और हाशिम डोगर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर पॉपुलेशन है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ज्ञान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आप सबने आज का रन डाउन सुना, हम एक एक करके तमाम स्टेजेस पर जाएंगे, बट जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नजर आती है वो हुकूमत के अपने एक फेडरल मिनिस्टर की जानिब से बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट जो है उसका सामने आना है। अभी तक ऑपोजिशन तो क्रिटिसिज्म कर रही थी, उसके साथ साथ इत्तेहादियों ने भी जो है कुछ रिजर्वेशन शो की, बट नाउ टुडे जो फेडरल मिनिस्टर है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, उन्होंने वजीर आजम को खत लिखा है और उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है कारकर्दगी पर जो है बड़े सवालात उठा दिए हैं। हम आपको पहले सुनवा देते हैं, व्हाट रिजर्वेशंस डिड ही हैव टुडे, लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। मिनिस्टर जो है ये इनको ये इस वक्त जो है दे आर एक्टिंग लाइक किंग, बादशाहों की तरह एक्ट कर रहे हैं। इस तरह से सूबे नहीं चल सकते ना निजाम चल सकता।
चारों सूबों में चीफ मिनिस्टर्स के स्वाब्दीदी इख्तियारात को कम करने की जरूरत है। फंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज हों, वो अपने लिए प्रपोज करें कि यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट लग रहे हैं। जब तक आप इसलाहत सूबाई इसलाहत नहीं करेंगे, ये डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि 60% रिसोर्सेज तो सूबों के पास चले जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने कैसे डिलीवरी करनी है? और सूबे जो है वो नॉन फंक्शनल हुए हैं ना, सूबे जो है वो आप उनके एजुकेशन की हालत देख लें, आप उनके लॉ ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, आप उनके हेल्थ की हालत देख लें, सूबाई प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम फिर जो है वो फेस पूरा पाकिस्तान करता है। सो ये मैंने पॉइंट उठाया है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, एंड ही वॉज वेरी ग्रेशियस, ही टोटली एग्री ऑन दैट, और वो समझते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा लोकल बॉडीज की एम्पावर। जी अगर आप हमें इजाजत दें तो हम यहाँ पर ऑपोजिशन का जो है पहले व्यू ले लेते हैं, फिर हम हुकूमत को भी रिस्पांस का मौका देंगे। सेनेटर ज्ञान चंद साहब, अभी जैसा कि हमने आपको सुनवाया कि फवाद चौधरी ने वजीर आजम इमरान खान साहब को खत लिखा आज, और उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 140 के तहत हर सूबा इंतजामी और माली जिम्मेदारियां मकामी हुकूमतों को मुंतकिल करने का पाबंद है, लेकिन सूबे मुसलसल इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर फंड की जो मुंतकली है वो नहीं की जा रही। तो अब ये बताइएगा कि ये जो रिजर्वेशंस उठाई गई हैं उनके मुताबिक जो पंजाब का सूबा है वो जो 350 बिलियन रुपीस का बजट है उसमें से सिर्फ 77 बिलियन रुपीस जो है तरक्याती फंड्स वो रिलीज किए गए हैं। तो अब ये हुकूमत के अपने अंदर वफाकी वजीर जो हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो फट पड़े हैं, क्या वजह हुई कि आज उनके अपने वजीर को जो है इस किस्म का एतराजात जो है लेकर सामने आना पड़ा? पावर्स का जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए निचली सतह तक और जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, लेकिन एक बात उनको एडिशनल ये होती है कि जब प्रोविंसेस के इश्यूज हैं तो प्रोविंसेस को ही कानून साजी करनी है, और मेरा ख्याल है जो कानून साजी जहाँ पे हुई है वहाँ पे उसके मुताबिक अमल हो रहा है। वैसे चौधरी साहब को इससे ज्यादा खत लिखने ये लिखना चाहिए था कि भाई आपने जो इतनी महंगाई का तूफान खड़ा किया हुआ है, आप रोजाना बगैर सोचे समझे तेल की, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप तो अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस के बाहर साइडलाइंस में बैठकर तय करके आते हैं कि मलेशिया में कॉन्फ्रेंस होनी है और सऊदी अरब में जाकर सरेंडर करके देते हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट के जो क्योंकि वो फेडरल मिनिस्टर है उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनके कैबिनेट की परफॉर्मेंस क्या है, फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, उस पर बात करते तो ज्यादा ठीक था। वैसे ये मशहूर अच्छा है कि जो भी कानून है प्रोविंस में और कॉन्स्टिट्यूशनली जो जो चीजें करनी है वो उन पे अमल होना चाहिए, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंसेस हो या कहीं पे भी रूल ऑफ लॉ का होना चाहिए जो यहाँ पे नजर नहीं आता है, तो इसके लिए भी उनको फेडरल कैबिनेट में ये चीजें लानी चाहिए कि ये चीजें जो नहीं हो रही है, एक तरफा जो इंसाफ चल रहा है। लेकिन ठीक बार बार लेकिन पंजाब हुकूमत का भी रिस्पॉन्स आ गया है, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। यहाँ पर डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, आज जो वफाकी वजीर हैं उनका ये भी कहना था कि जो फॉर्मर सीएम थे शहबाज शरीफ वो भी फंड्स के मामलात खुद ही देखते थे, उनकी हुकूमत में भी फंड्स लोकल लेवल पर तकसीम नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद सूबा इंतजामी लेवल पर जो है बेटर फाल था, उसकी क्या वजह है? हमने जो ये सवाल उठाया था, और फिर जो फवाद चौधरी ने फिगर्स दिए उनके मुताबिक तो पंजाब के डिलीवर ना करने से तहरीक इंसाफ पर प्रेशर पड़ रहा है, पंजाब का जो 350 बिलियन रुपीज का तरक्याती बजट है उसमें 77 रिलीज कर दिया जाता है, पंजाब हुकूमत का रिस्पांस कुछ और कह रहा है, तो क्या आपस में ही फेडरल और प्रोविंशियल जो पंजाब गवर्नमेंट है उनमें ही किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं है? देखिए नीलम नवाब साहब, बात यह है कि ये टोटली फेडरल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पर फेल हो चुके हैं। अब एक ये जो है एक दूसरे पर इल्जाम तराशी पर उतर आए हैं, और उसकी वजह ये जब इन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो थी सारी डिसॉल्व की, उस वक्त असेंबली में हाशिम डोगर साहब बैठे हैं, उस वक्त हमने बहुत शोर वावेला किया था कि देखें कॉन्स्टिट्यूशनली यू आर बाउंड टू डिस्पर्स द मनी, डेवलपमेंटल मनी थ्रू दीज लोकल गवर्नमेंट्स। ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग थी, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत ही ये जो थे लोकल बॉडीज के पिछली दफ़ा भी इलेक्शंस हुए थे, और इट्स मैंडेटरी फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू डिस्पर्स द मनी थ्रू लोकल गवर्नमेंट्स। और हमने उस वक्त ये आवाज़ उठाई थी, और पर्टिकुलरली इन द क्लोजिंग स्पीच मैंने
पर्टिकुलरली ये कहा था कि आप एक चीज वारंटी कर दें कि आप ठीक है नया कानून ले आए, लेकिन लेट दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर्क टिल यू अनाउंस द इलेक्शंस। लेकिन इनके जो थे मोटिव्स कुछ और थे, इन्होंने वो पैसा सारा जो था जो पड़ा हुआ था पुराना उसको जो है वो सरेंडर करके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव्स के थ्रू इन्होंने वो जो है वो खर्च करना था। दूसरा ये है कि उसमें अभी तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो पहले तो ये फॉल्टी लेके आए प्रोविंशियल असेंबली में, फिर दोबारा उसको पंचायत और नेबरहुड काउंसिल्स को लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया, क्योंकि जो है था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस एक्ट के तहत तो हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। अब उसको उन्होंने दोबारा अमेंड करके पास करवा लिया है, लेकिन अभी तक कोई मुझे शवाहद नज़र नहीं आते। इलेक्शन कमीशन गैर फॉल पड़ा है कि ये कब इलेक्शंस होंगे और कब ये जो है आवाम की सुनी जाएगी। दूसरी बात ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इल्जाम तराशी कर सकती है। नया इशू सामने खड़ा कर दिया गया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब। सर मैं एक सेकंड मैं जरा बता दूं, एक पॉइंट मेरा और है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ये कैसे कह सकती है कि ये जो है, क्योंकि इन्होंने तो देखिए फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए 350 अरब में से तो 100 अरब तो पहले ही इन्होंने सरेंडर कर लिया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, इसी तरह बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया था तमाम रिजर्वेशंस पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, अब ये जो एक नया एतराज जो है बड़ा बोल्ड एतराज सामने आया है, और सामने ना ऑपोजिशन की जानिब से आया है ना एलाइज की जानिब से आया है, बट विद इन गवर्नमेंट जो फेडरल मिनिस्टर है उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो 350 बिलियन रुपीस का बजट है तरक्याती कामों का पंजाब का, वो उसमें से सिर्फ 77 बिलियन रुपीस जो है वो रिलीज किया गया, और उस 77 से भी जो है जो 55 बिलियन रुपए है वो जो तौनसा का इलाका है जो कि बुज़दार साहब का है, कहा जा रहा है कि वो वहां रिलीज किया गया है। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से जो जवाब आया है वो कह रहे हैं कि जी 15 जनवरी 2020 तक 179 बिलियन रुपीस के जो तरक्याती फंड्स हैं वो रिलीज किए जा चुके हैं, जिनमें से 42 बिलियन जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दिए गए हैं और 58% जो फंड्स हैं वो एडीपी को इशू किए गए हैं। अब इन दोनों में से दुरुस्त कौन है, किसको सही और किसको गलत जाना जाएगा? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी कि जो फिगर्स पंजाब गवर्नमेंट दे रही है उसको उसके ऊपर हमें ज़्यादा एतबार करना चाहिए, क्योंकि वो खुद फिर इसके ज़िम्मेदार होंगे कि जो बात वो कर रहे हैं उसको वो प्रैक्टिकली दिखाएंगी। अगर उन्होंने 179 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो वाकईतन रिलीज़ कर दिए हैं तो फिर वो कहीं लगे हुए भी नज़र आने चाहिए, कोई प्रोजेक्ट हमें दिखाई दें जिनके ऊपर काम हो रहा है, और कोई ऐसी जगह ऐसी मूवमेंट नज़र आए, डेवलपमेंट होती भी नज़र आए जिसमें लगा पता ये लगे कि हाँ जी पैसे वाकई रिलीज़ हुए हैं, वो नीचे तक गए हैं और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी नीचे जाकर वो जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनके ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। बहरहाल मैं यहाँ पर एक और पॉइंट देना चाहता हूँ कि अगर हम मिसाल लें एक रिले टीम की, जो 400 मीटर की रिले टीम होती है, वो चार एथलीट 100-100 मीटर भागते हैं, मगर जो सबसे स्वस्थ एथलीट होता है वो डिटरमिन करता है कि पूरी टीम जो है वो कितने टाइम में फिनिश लाइन को क्रॉस करती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन और एथलीट रहे हैं, और वो समझते हैं कि जो सबसे स्लो मूविंग एलिमेंट है एक टीम के अंदर वो डिटरमिन करता है कि टीम की सक्सेस रेट क्या होगी। उनको आप ये मालूम हो जाना चाहिए कि उनकी टीम में प्राइम मिनिस्टर साहब वो तो कहते हैं कि ये वसीम अकरम प्लस हैं बुज़दार साहब और उनको उन्होंने पंजाब पकड़ा दिया है। पंजाब इज अ वेरी डिसाइसिव फैक्टर इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। मैं यहाँ पर हाशिम डोगर साहब आपकी जानिब आऊंगी, हुकूमत का भी हम व्यू लेंगे। जैसा कि अभी तक की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि आज फवाद चौधरी जो है उन्होंने जो सियासी साइड है उस पर भी काफी इल्जाम लगाए हैं इस अपनी इस खत को लेकर। वो कह रहे हैं कि जो वज़राए आला हैं वो बादशाहों की तरह एक्ट करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सूबाई इस्लाहात नहीं होंगी काम नहीं होगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रोविंशियल एनएफसी अवार्ड्स हैं उसकी रकम डिस्ट्रिक्ट्स तक मुंतकिल नहीं की जा रही। तो आखिर ये अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फवाद चौधरी साहब जो है उन उस्मान बुज़दार को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जिन्हें इमरान खान साहब जो है वसीम अकरम प्लस कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीलम आपका बहुत शुक्रिया जो आपके साथ मौजूद पैनलिस्ट मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं इसको बड़ा ब्रीफली बिकॉज आई नो कि सब ने पार्टिसिपेट करना होता है, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब के जो फिगर्स हैं एज़ पर माई हम्बल नॉलेज वो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो फिगर्स रिलीज़ किए हैं दे आर मोर एक्यूरेट, और मैं समझता हूँ कि हमें उन्हीं के ऊपर जाना चाहिए। इसका एंगल फवाद चौधरी साहब का कुछ कहना, देखें जहाँ पे
शायद मुनासिब नहीं लग रहा होगा कि उन्होंने क्यों कहा, आप हमें इसका थोड़ा सा एक पॉजिटिव जो एंगल है उसको भी देखें। वॉज इट पॉसिबल ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब एंड शहबाज शरीफ साहब कि कोई शख्स इतनी जरूरत कर सकता कि वो किसी वजीर आला या वजीर आजम के बारे में ऐसे कमेंट करे? मैं तो इसको एक पॉजिटिव देखता हूँ, मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यही जमहूरियत है और जमहूरियत का एसेंस ऐसे ही होता है कि अगर आप कुछ समझते हैं कि कोई चीज़ गलत है तो आप उसको आइडेंटिफाई करें। उन्होंने आइडेंटिफाई किया, यकीनन कुछ शॉर्टफॉल्स होंगी और ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसी दौरान गुफ्तगू में बात हुई कि लेकिन यहाँ पर हाशिम डोगर साहब 17 माह होने को आ रहे हैं, 17 माह होने को आ रहे हैं हाशिम डोगर साहब, मेरा ये क्वेश्चन आप सुन लीजिएगा, रिस्पॉन्स साथ कर दीजिएगा। और हम देख रहे हैं कि जो ऑपोजिशन की क्रिटिसिज्म तो अपनी जगह है ही, लेकिन आपके जो एलाइज थे उनकी जानिब से भी आवाज उठाई गई कि पंजाब को इस्लामाबाद से नहीं चलाया जा सकता। और फिर हम सब गवाह हैं कि जो पंजाब के मामलात हैं उनको ठीक करने के लिए वजीर आजम जो है वो बेचारे खुद जाते हुए नजर आए लाहौर, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थी वो तब्दीलियां भी उन्होंने की, सूबाई वुजरा भी उनके कलमदान भी तब्दील किए जाते रहे, चीफ सेक्रेटरीज भी तब्दील करके देख लिए, लेकिन इस तमाम रीशफलिंग और रीवैम्पिंग के बावजूद भी 17 माह बाद भी मामलात बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो क्या इसकी वजह उस्मान बुज़दार ही है? हमने देखा कि वजीर आजम ने बाकी जो फेडरल मिनिस्टर्स थे उनकी रीशफलिंग कर दी ये कहकर कि जिसकी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी वो वहां नहीं रहेगा, बट उस्मान बुज़दार साहब की जब बात आती है तो उनकी किसी किस्म की तब्दीली होती हुई नजर नहीं आई, जबकि तनकीद उनकी कारकर्दगी पर हर तरफ से सामने है। देखें, मैं थोड़ा सा इसको ना, लेट्स बी अ लिटिल फेयर अबाउट क्रिटिसाइजिंग उस्मान बुज़दार साहब, उनका एक कसूर जरूर है कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स को खुद नहीं चला रहे जैसा कि माजी में चलाया जाता था। उनका ये कसूर है कि उन्होंने तमाम मिनिस्टर्स को इंडिपेंडेंट किया हुआ है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स के मामलों को देखें उनके अंदर जो बेहतरी है। अगर मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कि मेरा डिपार्टमेंट है अगर ये डिलीवर नहीं करेगा तो मैं नहीं समझता कि उस्मान बुज़दार साहब उसके जिम्मेदार हैं। तमाम अहम डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के पास हैं। अगर कोई मिनिस्टर, और मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ कि उन्होंने हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, वी आर अलाउड टू वर्क, जो हमारी पॉजिटिव हम वहाँ पे करते हैं, हमारी सजेशंस होती हैं वो मानी जाती हैं। मुझे तो उनकी वर्किंग के अंदर कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आता जिस पे हमने उनको क्रिटिसाइज करें। हाँ, शायद एक आम आदमी 8 क्लब में बैठा हुआ 7 क्लब के अंदर लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मगर मैं समझता हूँ कि ऐसी कुछ नहीं है, उनकी वर्किंग बहुत फेयर है। वैसे उस 7 क्लब की रेनोवेशन पर भी न्यूज में आर्टिकल सामने आया है जिसमें कहा गया है कि बुज़दार साहब जो हैं वो 7-स्टार लिविंग पर रेनोवेशन करवा रहे हैं उस 7 क्लब हाउस की, जिसमें कि ऑलरेडी रेनोवेशन की जरूरत नहीं थी। बहरहाल वो टॉपिक कहीं और चला जाएगा, मैं यहाँ पर सेंटर ज्ञानचंद साहब, अब एक जानब हमारे सामने प्रोविंशियल मिनिस्टर है जो कि इस वक्त आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जी हाशिम डोगर साहब, क्विकली आप प्लीज मुकम्मल करिए। मैं 7.5 साल से विजिट करता हूँ 7 क्लब, मुझे तो अभी तक कोई उसमें रेनोवेशन नजर नहीं आई। अगर कोई होगी तो बिल्कुल, अगर गैर मुनासिब है तो गैर मुनासिब हो, मगर ऐसी कोई रेनोवेशन वाली बात नहीं है। देयर हैज बीन नो रेनोवेशन वर्क डन इन 7 क्लब। चलें, लेट्स होप कि जो आप कह रहे हो ठीक हो, लेकिन पूरा एक आर्टिकल जो है वो द न्यूज़ में 7 क्लब की रेनोवेशन पर ही है जिसमें करोड़ों जो है खर्च किए गए हैं। बुज़दार साहब का जो रेजिडेंस है जिसमें कि वो रिजाइड कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन सेंटर ज्ञानचंद साहब हमारे से निकली भी ठीक नहीं होती, और हर चीज जो मीडिया में आती है हम आके शो कर लेंगे, आप हमें दिखा दीजिएगा रेनोवेशन हुई है नहीं हुई, या उसी तरह ही है जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब के जमाने में थी, किसी किस्म की कोई रेनोवेशन नहीं की गई। हम आकर हम अपने रिपोर्टर को भी भेज सकते हैं, आप उसको भी शो कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर मीडिया को भी दिखा दें ताकि एक एक्चुअल पिक्चर जो है वो सामने आ जाए। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, अब यहाँ पर किसकी बात को सही माना जाए? बिकॉज एक तरफ पंजाब हुकूमत है, दूसरी तरफ फेडरल लेवल पर जो है वज़रा वो आवाज़ उठा रहे हैं। क्या वाकई में पंजाब हुकूमत को डिलीवर करने में मुश्किलात का सामना है? क्या पंजाब में जो प्रोविंशियल लेवल है उस पर हर वजीर ने अपनी ही एक हुकूमत बनाई हुई है? क्या ये कहा जा सकता है? फिर काफ लीग के अलहदा होने की वो डिस्टेंस नजर आ रही है, क्या उसकी भी यही वजह समझी जा सकती है? दास साहब को चीफ मिनिस्टर तो बनाकर बिठा दिया गया है, लेकिन उनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है। जो ये कह रहे हैं ना कि हर मिनिस्टर इंडिपेंडेंट है, एक्चुअली वो जो भी मिनिस्टर्स हैं वो उनकी
सिलेक्शन जो है वो इमरान खान ने की हुई है और वो इमरान खान को खुश करने के लिए या उनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी अथॉरिटी जो एज अ सीएम होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और फिर सेक्रेटरी से लेकर जो भी अफसरान है वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ही डील कर रहा है, तो तनकीद तो बोजदार साहब से हो रही है लेकिन एक्चुअली पंजाब को तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से चलाया जा रहा है, तो यकीन बोजदार साहब पे इल्जाम लगाना ये मुनासिब नहीं होगा। फिर आज अब जो चौधरी साहब का आपने जिक्र किया, फेडरल गवर्नमेंट के लोगों ने ये पंजाब पे इसलिए डाल दिया है कि हुकूमत ना यहाँ पे डिलीवर कर रही है, फिनेंशियल जो क्राइसिस हैं वो इतने बढ़ चुके हैं जिनको हैंडल करना इनके बस की बात नहीं है, एक इशू थमता ही नहीं है तो दूसरा इशू कोई ना कोई ये खड़ा कर देते हैं ताकि डिस्कशन उस तरफ चली जाए। तो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, इवन हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर जो चीख रहे हैं कि भाई हमारे हिस्से के जो पैसे हैं वो टाइमली नहीं दिए जा रहे, जो ऐलानात करके जाते हैं यहाँ पे मीटिंग्स करके कमिटमेंट करके जाते हैं उस पर पूरा काम होता है, पैसों का मिलते हैं। आप हेल्थ की तरफ देखें स्पीडल गवर्नमेंट लेवल पे तो उन्होंने जो भी है उस पर भी कट लगाया, एचसीसी वालों को सैलरीज के पैसे नहीं मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं उनको पेंशन के पैसे और सैलरीज के पैसे नहीं मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप को मुकम्मल तौर पे कट लग चुका है, जो जो एचसीसी दे रही थी वो बड़ी बहुत गंभीर सूरत हाल है, इसमें कभी वो प्रोविंशियल इश्यूज को इशू बना देते हैं, कभी सिंध में कोई अफसर की बदली है उसको इशू बना देते हैं, कभी कोई बूट उठाकर बैठ जाता है, ये नॉन इश्यूज को सिर्फ नॉन सेंस किस्म के ही एक्शंस हो रहे हैं, कोई प्लानिंग कोई काम आगे डेढ़ साल में तो हमने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, अब ये जो हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट आउट किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140 के अंडर हर प्रोविंस जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो फंडिंग की जिम्मेदारियां हैं वो मकामी हुकूमतों को जो है मुंतकिल की जाती हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल सूबे जो है इस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर फंड्स नहीं जो है वो रीच आउट कर पा रहे हैं, वो मुंतकिल नहीं हो रहे हैं, तो अब इसका क्या प्रोविंशियल रिफॉर्म्स ही सिर्फ एक इस मामले का हल साबित होगा, इसका फौरी हल किस तरह से किया जा सकता है? पहले तो ये है कि ये जो फवाद चौधरी साहब का बोलना या इनके जो इत्तेहादी हैं उनका बोलना जो है ना उसका सियासी पहलू ज़्यादा है, क्योंकि अब ये सारे लोग महसूस करने लगे हैं कि हम एक नालायक हुकूमत के साथ जो है हम रकाब हैं और कल को हमने इलेक्शन किस तरह लड़ना है, और अवाम में जाते हुए ये घबराते हैं, बल्कि अवाम को फेस करते नहीं किया जा रहा इस वक्त, ना हुकूमती पार्टी के वज़रा MPAs बल्कि इत्तेहादी भी, और अब जैसे आपको मालूम है कि जब जहाज़ डूबने लगता है ना तो ये सारे जो नीचे से बेसमेंट से जो चूहे हैं वो ऊपर डेक पे आ जाते हैं, अब वो हालत हो गई है कि अब ये सारे लोग जो इनके लोग थे वो अब देख रहे हैं कि जहाज़ डूबने वाला है। दूसरी बात जो मैंने आगे भी उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि ये मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक इसके अंदर जो है वो है कंपल्शन है कि आप जो खराजात हैं वो थ्रू लोकल गवर्नमेंट खर्चेंगे, लेकिन इन्होंने तो आते ही वो सारे बल्दियाती इदारों को सस्पेंड कर दिया, बल्कि मुअत्तल कर दिया, जिसके खिलाफ हम जो है वो अपील्स में गए हुए हैं हमारे मेयर्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन, लेकिन इन्होंने उसके बाद हालात देखते हुए अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ में इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट 12% है, इंटरेस्ट रेट आपका देखें 15.5% है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग भूख से मर रहे हैं। फाइनल सवाल बन रहा है इस टॉपिक को लेकर, इस तमाम मामले को लेकर, तो क्या पंजाब डिलीवर अगर नहीं कर पाया तो इसमें चाहे इत्तेहादी हो हुकूमत के तहरीक इंसाफ की या तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट हो, जाहिर बात है उनसे भी फिर सवालात तो होंगे, उन पर भी फिर सवालात तो जो है उठाए जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि हम अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, ऑब्वियसली जो जहां पंजाब जो है जो पंजाब जीतता है वही आगे फेडरल बनाता है, तो फिर ये प्रेशर तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना शुरू हो गया ऑलरेडी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, इसीलिए आपने इत्तेहादियों का मूड देखा है और वो इंतहाई जो है वो तश्वीशनाक है, उसके अलावा जो है अपोजिशन तो पहले से चीख चीख कर कह रही है, अवाम जो है वो आपके सामने है कि आटे का बहरान, आप अंदाज़ा लगाएं कि आटा जो कि सरप्लस पड़ा हुआ है, ये मिसमैनेजमेंट है, हमारे गोदामों में 2018 का 19 के जो है अभी तक गोदाम खाली नहीं हुए, और पंजाब असेंबली में इस पर बेतहाशा
बेशुमार दफा मिनिस्टर साहब बैठे हैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में कि इस पर डिस्कशन स्पीकर की रूलिंग्स आई हैं कि इस गंदम को आप डिस्पर्स करें, बल्कि यहां तक हमने तो सजेशन दी थी अपोजिशन की तरफ से कि लोगों में मुफ्त बांट दें, क्योंकि वो सारा खराब हो रहा है, उस पर जो है वो बैंकों की जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट ने उसको खरीद के और बैंकों से लिमिट्स लेके उसको स्टोर किया हुआ है। आप जो है जितना जो है फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रखें, बाकी डिस्पर्स करें। इन्होंने ना उसे बेचा है, ना इनको ये जो है इतनी पुअर मैनेजमेंट है कि ना वो आवाम तक पहुंचा है। पूछ लेते हैं। ऑलराइट हाशिम डोगर साहब, ये जो मुल्क भर में इस वक्त हम आटे का क्राइसिस देख रहे हैं, आटे का बुहरान अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, और जो प्राइसेस हैं आटे की उसमें भी हमें इंक्रीमेंट नजर आ रहा है। एक हफ्ते के दौरान जो है 5 से 10 रुपए फी किलो जो है वो इंक्रीज किया गया है कीमत को। कराची की अगर बात कर लें तो कराची में जो गंदम की बोरी है उसकी प्राइस 500 रुपीज है, बल्कि 500 रुपए से बढ़कर 5,200 रुपए में जो है ये प्राइस आ रही है, और लाहौर में जो आटे की कीमत है वो 6 रुपए पर किलो जो है उसका इजाफा सामने हमें नजर आ रहा है। हैदराबाद में 10 किलो आटे की बोरी जो है वो 640 रुपए की हो चुकी है। पिशावर और कोयटा में भी प्राइसेस में जो है इजाफा सामने है। मैं दोबारा से करेक्ट कर दूं, जो कराची में बोरी की प्राइस है वो 500 रुपए से बढ़कर 520 रुपए की हो गई है, जस्ट टू मेक श्योर के जो फिगर्स थे वो सही गए हो। तो ये ओवरऑल पूरे मुल्क में ही तमाम सूबों में जो आटे की प्राइसेस में इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ऑलरेडी हमने देखा कि जो पेट्रोल है, बिजली है, उन सब की प्राइस हाइक ऑलरेडी आवाम जो है वो सफर कर रही है उसको। जी प्लीज टू से समथिंग इससे पहले कि मैं आटे की बात करूं, दो बार डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो पिछले बलदियाती इदारे थे उनको क्यों ख़त्म किया गया, तो मैं आपको बताता हूँ वो इसलिए ख़त्म किया गया कि 3 साल एक इंतहाई शानदार बंदर बांट का मुजाहरा हुआ। डिस्ट्रिक्ट नाजम इतना पावरफुल था कि वो अपनी मर्जी से, अपनी सवाबदीद से, जो उसके अपनी या उसके घरेलू या जहाँ पर उसका इंटरेस्ट होता था उन यूनियन काउंसिल्स को फंड दिया जाता था। मेरी जो मैं इस वक्त अपने गाँव में मौजूद हूँ, मैं आपको हल्फन कहने के लिए तैयार हूँ कि शायद को 2-5 लाख के अलावा 1 रुपया, क्योंकि यहाँ से पीटीआई के यहाँ से चेयरमैन मुंतखब हुए थे। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, हम इसको इस तरह दुरुस्त करना चाह रहे हैं कि जब इंशाल्लाह ये नया निज़ाम आ जाएगा उसमें ये किसी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, तहसील चेयरमैन के हाथ में नहीं होगा कि उसने किसको कितना फंड देना है। लोकल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट डायरेक्ट फंडिंग करेगी जो हमारी मौजा की काउंसिल्स होंगी या हमारी नेबरहुड काउंसिल्स होंगी, नंबर वन। नंबर टू, नहायत अदब से ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि पैसा लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन लोगों ने शायद, इन्होंने अज्यूम कर लिया था कि अगली गवर्नमेंट शायद हमारी ना हो, इन्होंने बेशुमार नए प्रोजेक्ट्स, लेट से एक प्रोजेक्ट की कीमत 1 अरब थी, इन्होंने उसको 5 करोड़ से शुरू करके तो हमारे गले डाल दिया। हम ये भी यही कर सकते थे कि हम उनको साइड पर करके अपने प्रोजेक्ट, मगर वो एक इंतहाई बेइंसाफ़ी और जो है ना बेईमानी होती है इस मुल्क के पैसों से जो ऑलरेडी लगे हुए। हम, मेरा ख्याल है कि इस साल अभी तक हम उनके वही पुराने प्रोजेक्ट्स को हम मुकम्मल करने में लगे हुए, इसलिए आपको कोई नए प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आ रहे। जहां तक आटे के बुहरान की बात है, बिल्कुल इसमें वी आर टेकिंग स्टॉक, इसके हम सारी स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं तो चूंकि पंजाब की हद तक बात करूंगा, हम इंशाल्लाह इसको फिर इसको कंट्रोल करेंगे। और आपको पता है बदकिस्मती से हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन जो कंप्लेंट सामने आ रही है उसमें जो ब्लैक मार्केट और ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, तो लेट मी अश्योर यू कि इंशाल्लाह हम पंजाब में इस वक्त वैसा बुरान फ्लक्चुएशन आती रहती है, प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, और बस इसको इंशाल्लाह हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर बजर इकबाल साहब, जो कंप्लेंट्स आ रही है इस रीसेंट आटे की प्राइस हाइक पर, वो कह रहे हैं कि जो फ्लोर मिल्स ओनर्स हैं उनका कहना है कि गंदम उनको ना मिलने से जो है आटे का ये क्राइसिस पैदा हुआ है, और फिर जो आटा क्राइसिस है उसकी एक वजह कहा जा रहा है कि जो सरकारी कोटे रखे जाते हैं उन कोटों पर चक्कियों को गंदम नहीं मिलने दी जा रही है, और इस वजह से भी ये बैकलॉग जो है पैदा हो गया है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गई है। तो अब ये जो इस वक्त तमाम सूबों में हमने आपको प्राइस हाइक बताई है गंदम के हवाले से, जो ये गंदम का क्राइसिस है, ये क्या मस्नूई लेवल पर ये क्राइसिस पैदा किया जा रहा है या जेन्युइनली जो है ये क्राइसिस की सिचुएशन सामने नजर आ रही है? मैं बड़े वसूख से आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कह रहा हूँ कि गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है, इस टोटल मिसमैनेजमेंट और ये जो है गैर इंतज़ामी और जो उसे कह दें कि आपकी मैनेजमेंट का सारा कसूर है, क्योंकि ये असेंबली में ये बात फ्लोर पे
आपको देखें, पिछली बम्पर क्रॉप थी हमारी गंदम की, इस दफा भी इंशाल्लाह जिस तरह ये बारिशें हुई हैं बहुत अच्छी फसल आएगी, हमें गंदम की बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ख़राब कर देंगे, आप उसकी जो है वो पुरानी गंदम जो पड़ी हुई है उसकी स्टॉक टेकिंग नहीं करेंगे, उसको सर्कुलेट नहीं करेंगे, और इस पर बेतहाशा दफ़ा पंजाब असम्बली में बाकायदा बड़े कंसर्न के साथ रूलिंग्स दी गई हैं, स्पीकर साहब ने खुद दी हैं अपोजिशन के मुतालबे पे, और उस पर बड़ी सेरहसल बहस हुई है, और इस पर मैं हैरान हूँ कि ये कैसे ये बुरान पैदा हो रहा है, क्योंकि पंजाब इज़ द 60% ऑफ द एग्रीकल्चर, सारा लोड हम उठाते हैं सिंध के उसके बाद आता है, तो ये सारा ये आप लाहौर में गंदम का रेट बता रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि के पी के में क्या होगा, आपका बन्नू में फेडरल जो जो ट्राइबल एरियाज हैं जो अब फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज जो केपीके में आ गए, वहाँ पर आप लोग बेचारे लाइनों में लगे खड़े हैं, आटा मिल नहीं रहा, ये सवाए नालायकी के और कुछ नहीं है। और इसमें जो है ये जैसे इसकी तहकीकात के लिए इंशाल्लाह हम 23 को इजलास बुलाया है हमने इसी अहम मौजू पर, अपोजिशन ने बुलाया है पंजाब असम्बली का इजलास, उसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इस इनको जो है वो वी विल पुट देम ऑन द टास्क और उस पर पूरा इनसे जवाब तलबी करेंगे और उसको जो है आपके सामने सारी चीजें जो है वो लेके आएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पंजाब असेंबली में अभी तक जो है आपकी कामयाब कमेटी इन्वॉल्व नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इशू है, रेगुलेशन इशू है, एब्सोल्युटली इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड इन दिस कंट्री, इंतजामी अमूर में शायद जिस फ्लो से करना चाहिए इसको फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी आटे की वो नहीं हो रही, तो ये फिर एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है जिसकी वजह से आवाम सफर कर रही है इस वक्त प्राइस हाइक आटे में। एब्सोल्युटली जी इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इस पे अभी तहकीकाती कमेटी बनाएं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब से ये सवाल है जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, डेफिनेटली ये एक तो मिसमैनेजमेंट के जुमले में भी आ सकते हैं, मैल एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है, पर मेहर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम भूल रहे हैं कि जब हम गंदम को आटे में कन्वर्ट करते हैं तो उसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बिजली की जो प्राइस बढ़ी है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। डेफिनेटली एक वो इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, देन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब फ्यूल की प्राइस बढ़ जाएगी तो आटे को मार्केट तक लाने की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, फिर जो मिडिल मैन का अपना प्रॉफिट है वो बढ़ गया है, फिर कुछ होर्डिंग है, कुछ प्रॉफिटियर्स हैं, तो ये सब तमाम एलिमेंट जब आप मिलाकर देखते हैं तो डेफिनेटली एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हालत है। मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है और वो पॉलिसी जो है वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं कर रही तो कोर्स करेक्शन की कहीं ज़रूरत है। अगर यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट को ये ज़रूरत है कि वो इंटरवीन करें, किसी चीज़ को सब्सिडाइज करें ताकि एक आम आदमी के मसाइल हल हो, तो उसको अभी इंटरवीन करना चाहिए प्रोएक्टिवली, और अगर वो ये समझते हैं कि उनकी टीम के अंदर किसी तब्दीली की ज़रूरत है तो मेरे ख्याल में उसके बारे में भी उनको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर ये भी मालूम करना चाहेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और बाकी के इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से आज पार्लियामानी कमेटी का सेशन क्यों किसी रिजल्ट पर जो है नहीं आ पहुंचा, नहीं पहुंच सका। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। एक और चैलेंज जो कि इस वक्त हुकूमत के सामने है वो है इलेक्शन कमीशन में जो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट है और चीफ इलेक्शन कमीशन की तकरीरी का मामला। हम देखते हैं कि आज पार्लियामानी कमेटी का सेशन होता है लेकिन इसमें कोई इत्तेफाक राय जो है वो पैदा नहीं हो सका, और आज वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को खत लिखते हैं और तीन नाम जो हैं वो प्रपोज करते हैं। इनमें साबिक वफाकी सेक्रेटरी जमील अहमद का नाम शामिल है, साबिक सेक्रेटरी फजल अब्बास और सिकंदर सुल्तान राजा के नाम भी शामिल हैं। ये तीनों जो हैं ये फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरीज हैं और हुकूमत ने पिछले नामों से बाबर याकूब के नाम को निकालकर सिकंदर सुल्तान का नाम जो है वो इंक्लूड कर दिया है। अब जो सेशन है पार्लियामानी सेशन वो मंडे को होने दोबारा जा रहा है, क्या इस बार कोई इत्तेफाके राय होगा? ये जो तीन नाम प्रपोज किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को, क्या इन पर कोई इत्तेफाके राय होगा? इस इशू को हम अगर हुकूमत से शुरू कर ले, हाशिम डोगर साहब, अब ये जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को लेटर लिख दिया है और उन्होंने लिखा है कि बामानी मुजाकरात के लिए आपको खत लिख रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमीशन की तकरूरी का मसला काफी अरसे से जेरे इल्तवा है जिसे हल करना चाहता हूं, इसीलिए नया पैनल आपको भेजा है। तो क्या आपको लगता है, उम्मीद है इस दफा के ऑपोजिशन की जानिब से जो है उनकी जानिब से भी किसी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जाएगा? जैसे वजीर आजम की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी बेहतर लग रही है, थोड़ी सी जो है वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ जाती हुई लग रही है।
जी बिल्कुल, मैं बड़ा इसको मैं समझता हूँ कि इट्स अ पॉजिटिव थिंग। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नाम भेजे हैं, ये सिस्टम भी ऐसी है और इसको ऐसे ही होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भी ये नाम देख रहा हूँ तो आई थिंक इनमें से कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो आई वुड अप्रिशिएट कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो इसको एक बड़े फराख दिली से इसको देखें, और उसके बाद आई होप कि जो मुज़ाकरात होंगे वो कामयाब होंगे और हम इसको एमिकेबली इस इशू को रिजॉल्व करें। ये देखिए, जमहूरियत की फतह भी यही है, अगर हर चीज़ में हट के फिर कोर्ट्स में जाना है तो ये मैं एक जमहूरियत के यानी एक एक डेमोक्रेट। लेकिन ये जमहूरियत में इतना डिले क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली वेस्ट ऑफ टाइम भी हो रहा है। ज्ञान चंद साहब, आखिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट्स है, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो या जो मेंबर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के मामले पर डेड लॉक क्यों बरकरार है, और इस डेड लॉक को हम किसके ऊपर डालें, किसकी जानिब से तावुन नहीं किया जा रहा? ये पहली दफा नहीं हो रहा है कि कोई मेंबर्स की सिलेक्शन हो रही है, ये पहले भी होता रहा है। उसमें ये होता था, कमेटी भी बैठती थी, मुख्तलिफ पार्टीज के गवर्नमेंट और अपोजिशन के अहम जो रुकन होते थे वो भी बैठते थे, लेकिन अगर मामला नहीं हल होता था तो वो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन भी आपस में बैठ जाते थे। ये गवर्नमेंट की जो एटीट्यूड है वो इस किस्म का है जो आपने फैसल वादा को देखा, अगर अपोजिशन गवर्नमेंट करती है तो आप उसको जूता दिखा देते हैं, और यहाँ पे भी इस किस्म उनके ऊपर तो केस हो गया। वैसे देखिए देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मीनिंगफुल डायलॉग का क्या मकसद है, मीनिंगफुल का ये होता है कि जो 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 नाम आपने रखे, जो जो आप नाम रखे, उनके उन पे किसको क्या क्या एतराज आते हैं वो एक दूसरे को रद्द करो। एक ये जो फीडल एक्स फीडल सेक्रेटरीज हैं या अपोजिशन ने जो भी नाम दिए वो पहले गवर्नमेंट्स में सर्व कर चुके हैं, बड़े रेपुटेड ऑफिसर्स भी रहे होंगे, मैं तफसीलन उसमें नहीं जाता क्योंकि एक एक का मुझे पता नहीं है, लेकिन उन सब का अपोजिशन वाले गवर्नमेंट वाले सब के जो है ना वो चिट्ठा लेकर बैठ जाते हैं, उसमें माइनस करके 5-6 पदों में से एक पद सिलेक्ट करना कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि जब आप जिद पे बैठ जाते हैं कि ये गवर्नमेंट के हैं ये उसके हैं, तो मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स किसी के नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट के ही होते हैं। लेकिन ये जो अब तीन नाम सामने आए हैं, ये जो अब वजीर आजम ने अपने लेटर में कन्वे किए हैं डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, ये तीनों जो है ये फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इरफान कादिर साहब का नाम भी फ्लोट कर रहा था, बट फाइनल थ्री नेम जो वजीर आजम ने भेजे हैं उनका नाम नहीं है। तो ये क्या ये तीनों नाम नून लीग को, शहबाज शरीफ साहब को जो है सूट करेंगे, उनको उनकी रजामंदी मिल सकेगी किसी एक नाम पर? जो इनिशिएटिव था वो अपोजिशन लीडर ने ही लिया था, जब उन्होंने देखा कि टाइम गुजर रहा है और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री ज़रूरी है। आपको याद होगा तो पहला लेटर भी जो था वो अपोजिशन लीडर ने लिखा था, फिर बदकिस्मती से इनके जो है फेडरल मिनिस्टर्स में से कुछ ऐसे जो हैं कुछ लोग हैं कि जो हर तरह के मामलात को जो हैं वो जो है सबोटाज कर देते हैं, ऐसे बयानात देते हैं कि जिससे जो है वो दिल आज़ारी पैदा होती है। अभी आप देखें कि कितना कंसेंसस के साथ जो है वो चीफ्स ऑफ द जो है डिफरेंट सर्विसेज के उनकी एक्सटेंशन का मामला किस खुश उसलूबी से अपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने बड़े ही तहमल के साथ और मुल्क की वकार के लिए एक बिल पास किया, लेकिन उस पर जिस तरह इनके फेडरल मिनिस्टर्स ने बाद में हरसा रसाई की और हुकूमत के लिए अदारों के लिए परेशानी का मौजब बने, तो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि खुदारा अब ये जो वक्त है इसमें बिलीव यानी कुछ ऐसे जो आपके ताले आजमा दोस्त हैं उनको ज़रा लगाम डाल कर रखें तो ये मामला हल हो जाएगा। और पहले तो ये था कि ये खुद ही नहीं बनाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इनके जो था वो केस जो था फॉरेन फंडिंग वाला वो डे टू डे हेयरिंग पे चला गया था और इन्होंने उसको डिले करने के लिए ये टैक्टिक्स यूज किया था। ऑलराइट, हम मूविंग ऑन क्विकली अगले टॉपिक की जानिब भी बढ़ेंगे। यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब, हुकूमती इत्तेहादियों की नाराजगी की बात अगर कर ली जाए तो एमक्यूएम हुकूमत से नाराज है,
خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو ریزگنیشن ہے وہ بھجوا دیا ہے پرائم منسٹر کو، جبکہ ایم کیو ایم سے جو فاروق نسیم صاحب ہیں وہ اس وقت وفاقی جو کیبنٹ ہے اس میں وزیر قانون کے عہدے پر موجود ہیں، اور وہ آج کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم عمران خان کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، کسی صورت ان کی حکومت گرنے نہیں دیں گے، اور انہوں نے اپنی منسٹری پر بھی جو ہے وہ ایکسپلینیشن دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے 2 وزارتیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور مجھے وزیر قانون عمران خان نے بنایا ہے، مجھے خالد مقبول نے کہا کہ آپ اپنی وزارت لیں، باقی 2 وزارتیں لینا ہمارا معاملہ ہے۔ تو اب یہ جو معاملات نظر آ رہے ہیں اتحادیوں کے ساتھ، پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی کے جو مصطفیٰ کمال ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے، پھر ہمارے سامنے پی ایم ایل کیو بھی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر 1 ہفتے تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے، جو اشورنسز دی گئی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، تو دھماکہ ہوگا۔ یہ کس ڈائریکشن میں آپ کو اتحادیوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، اتحادیوں کی جو ریزرویشنز ہیں، وہ کس ڈائریکشن میں جاتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم الائز کی، پولیٹیکل الائز کی بات کریں، تو میرے نزدیک تو الائز وہ ہوتے ہیں کہ جن کے درمیان میں کوئی پولیٹیکل فلاسفی، کامن پولیٹیکل فلاسفی ہو، کوئی کامن پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو، کوئی ایک بیئر منیمم کامن پروگرام تو ہو، پولیٹیکل پروگرام جس کے اوپر دونوں پارٹیز یا جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ متفق ہوں۔ یہاں پر مجھے کوئی ایسی کامن پولیٹیکل فلاسفی دکھائی نہیں دیتی۔ میرے خیال میں یہ سب پولیٹیکل اپرچونسٹ ہیں جو کہ ایک خاص انوائرنمنٹ، پولیٹیکل انوائرنمنٹ جو کریٹ ہوئی ہے اس میں وہ آئے ہیں، اور ابھی اپنی اپنی پارٹیز کے اور اپنے انڈیویجول جو ان کے مفادات ہیں یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ابھی جتنی پارٹیز ہیں اگر پازیٹیولی ان کی طرف دیکھا جائے تو یقینی بات ہے کہ وہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کے بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، انہوں نے بھی اپنے پروگرامز آؤٹ کیے ہیں، انہوں نے بھی ڈیلیور کرنا ہے اپنے ووٹرز کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں باتیں ملا کر اگر دیکھے جائیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر یہ اب لازم ہو جاتا ہے کہ جو بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں ان اپنے الائز، سو کالڈ الائز کے ساتھ، وہ جہاں تک ممکن ہو ان کو جلد از جلد وہ پورا کریں، تاکہ یہ جو انیسیسری ڈسٹریکشنز ہیں، یہ انیسیسری ڈسٹریکشنز ختم ہونی چاہیے ہماری پولیٹیکل لائف میں۔ آئی جی سندھ کی تبدیلی، اور سینیٹر گیان چند صاحب، یہ آئی جی سندھ کی تبدیلی کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں آخر سندھ حکومت اور فیڈرل کے درمیان اس معاملے کو لے کر مستقل ایک ڈیبیٹ جاری ہے؟ یہ صرف ایشوز سے دھیان جو ہے وہ ہٹانے کے لیے ہے۔ سندھ گورنمنٹ زبردست پرفارم کر رہی ہے، امانا مان سندھ گورنمنٹ کا ایشو ہے، ایک آفیسر کا ٹرانسفر ہونا اور اس کے لیے پورے پارٹیز اس کے پیچھے کھڑی ہو جائیں، یہ پولیٹیکلی اس کو ریز کر دیا گیا ہے، ورنہ کچھ ایشو نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ جس آفیسر کو چاہتی ہے ان میں سے کسی نہ کسی کو اپوائنٹ کر دیا جائے، وہ بھی بیوروکریٹس جو ہیں وہ سی ایس ایس کمیشن کے تھرو ہے، 21 بائیس گریڈ کا پولیس افسر ہی مقرر ہونا ہے، تو اس پہ پورا ملک کھڑا نہیں ہے کہ جو آئی جی سندھ بیٹھا ہو وہ ہوگا تو ٹھیک ہے۔ گزشتہ 10-11 سالوں میں کتنے بھی الزامات لگاؤ، لیکن سندھ کی جو امن امان ہے اس میں بہتری آئی ہے، اس میں باقی، لیکن آخر یہی آئی جی کیوں کھٹک رہا ہے سندھ حکومت کو؟ باقی کے کیا ایس ایس پی، ایس پی جو اور ایڈیشنل آئی جیز ہیں، کیا ان کے معاملات بالکل صحیح ہیں؟ صرف یہی آئی جی کیوں کھٹک رہا ہے سندھ حکومت کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 5 IG تبدیل ہو جاتے ہیں پنجاب میں تو کوئی اس پہ شوز نہیں ہو رہے۔ سندھ گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ ایک چینج ہو جائے تو اس میں سے کون سی ایشو کرنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ تو صرف پولیٹیکلی ایک اسکورنگ چل رہی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو رپورٹ کر رہا تھا آئی جی کیبنٹ میٹنگ۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر گیان چند صاحب، ہاشم ڈوگر صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک صاحب اور ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا پنجاب حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور فیڈرل اور پنجاب جو ہیں وہ آپس میں ایک ٹیم بن کر کام کرتے نظر آئیں گے، اور یہی جو حالات ہیں، کیا باقی صوبوں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، پروونشل گورنمنٹس ہیں، کیا وہ بھی فیڈرل کے ساتھ کام کرتی نظر آئیں گی، اور جہاں تک ایل آئیز کی بات ہے وہ ان کی ریزرویشنز کیا واقعی میں ایڈریس ہوتی نظر آئیں گی یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، سی یو آل ٹمارو نائٹ، انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ۔